वहीं खबरों में बात करते हैं सीएम सिटी करनाल की, जहां पर जाना माना कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे वह किसी भी विषय में रहे। तो वहीं बात करें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है वह, जब एक कैदी बीती रात पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग गया था, जिसको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया था। परंतु इस मामले में पुलिस के चार कर्मियों को भारी लापरवाही सामने आई है। जिसके कारण एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सस्पेंड भी कर दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीन अन्य को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं फरार हुए कैदी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आरोपी कैदी सत्येंद्र के खिलाफ पहले भी 7 मामले दर्ज है, जो की चोरी के मामले में करनाल जेल में बंद था। हवालाती कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से वह चकमा देकर भागने में कामयाब हुआ था, परंतु पुलिस ने 3 से 4 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। क्या मामला है जो कैदी रात हॉस्पिटल से फरार हुआ था? ये सत्येंद्र एलियास क्रांति नाम का व्यक्ति था, इस पर 7 मुकदमे दर्ज थे। ये हमारे कुरुक्षेत्र जिले का रहने वाला था, तो ये अंडर ट्रायल था, लेकिन इसकी तबीयत खराब होने के कारण, शुगर का मरीज होने के कारण ये एडमिट था, तो इसका इलाज चल रहा था। तो कल शाम को 7 बजे के आसपास ये जो मौके पर पुलिस कर्मचारी थे, उनकी गलती से या लापरवाही से उनको धक्का देके भाग गया और जाते जाते इसने शोर मचा दिया कि सिलेंडर फट गया है जी, जिससे पूरे हॉस्पिटल के अंदर भगदड़ मच गई। तो इसकी तलाश की गई और 3 घंटे के अंदर पुलिस ने इसको दोबारा राउंड अप कर लिया। इस मामले में कोई कर्मचारियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई है? हाँ जी, बिल्कुल। जिन पुलिस कर्मचारियों की गलती से ये भागा है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उनमें से एक पुलिस कर्मचारी की गिरफ्तारी कर चुकी है। सस्पेंशन 4 की हो गई है सर? हाँ जी, सस्पेंशन 4 कर्मचारी की गई।